नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल कुमार। आज मैं आ चुका हूँ लता कोल्ड स्टोरेज छिबरामऊ, ये डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में लगता है। और आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर आलू की लोडिंग चल रही है और भराई भी चल रही है। और इस साइड आलू जो पैकेट में भरा जा रहा है और ये हाइब्रिड आलू लगा है, उस साइड कंचन आलू लगा है। और अभी हम इस कोल्ड स्टोरेज में, यहाँ पर हमारे साथ कोल्ड स्टोरेज के व्यापारी हैं, इनसे आलू के बारे में पूछेंगे क्या रेट बिक्री चल रही है आलू की, और अभी तक कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में कैसी क्या निकासी हो चुकी है आलू की, और भी आलू के बारे में आपको समस्त जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी वैरायटी या आलू होता है, आपको समस्त जानकारी इस वीडियो में आलू की मिलेगी। अभी हमारे साथ ये व्यापारी जी हैं, इनका नाम अरविंद जी है और ये इस लता कोल्ड स्टोरेज में आलू की खरीद करते हैं, और इनसे आलू के बारे में पूछेंगे क्या रेट बिक्री चल रही है आलू की। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अभी आप अपना नाम और अभी जिस कोल्ड स्टोरेज में है ये कौन सी जगह पर, आप एक बार बता दें आप। नाम अरविंद सिंह, लता कोल्ड छिबरामऊ। और अभी आलू की कैसी क्या बिक्री चल रही है? आइलैंड आलू 900 से 950 रुपया, हाइब्रिड सफ़ेद जो है 800 से 850 रुपया, और कंचन 850 से 900 रुपया तक है। 970 रुपया तक मान लो, बड़े अच्छा आलू के भाव है, ये बढ़िया भाव है। जैसे ये जो वीडियो में दिखा रहे हैं आलू, थोड़ा जूम करके दिखाओ, ये आलू क्या रेट बिक्री हुई है? ये आलू दूसरे व्यापारी ने खरीदा है, ये हमने नहीं लिया है, लेकिन बढ़िया आलू की जो है डिमांड, 900 रुपया मान लो कंचन है बढ़िया आलू की, और ये तो मान लो 700 से 750 रुपए की है पोजीशन जिसकी। ये आलू 750 रुपए पैकेट, 53 किलो बिक्री हुआ करती है? 53 किलो, 53 किलो की। और इसमें जो कोल्ड स्टोरेज का रेंट है, भाड़ा वो व्यापारी देता है, व्यापारी को देना पड़ता है, व्यापारी को देना पड़ता है। जैसे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में और मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में कई जगह पर, फर्रुखाबाद में कमालगंज और कमालगंज क्षेत्र में व्यापारी देते हैं, और अदर कई क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में किसान देते हैं। वो बात एक ही है, वो मतलब भाड़ा जो है प्लस में जोड़ दिया जाता है आलू में, और हम ये बचत देते हैं, हम लोग भाड़ा देते हैं कि काश्तकार को भाड़ा नहीं देना पड़ता, जो व्यापारी देते हैं। हाँ, व्यापारी देता है भाड़ा। और उस साइड हम देख रहे हैं ये हाइब्रिड आलू, ये ख्याति आलू लग रहा है, ये आलू, इस आलू की क्या रेट बिक्री अभी चल रही है? आलू का रेंज है 800 रुपया। 800 रुपये। और अभी अगर देखा जाए आज की तारीख में, तो ये जो आलू की बिक्री चल रही है, अगर पिछले दिनों की बात की जाए, आलू कुछ महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है, उसके बारे में? नहीं नहीं, 10-20 रुपया करंट में है। 10-20 रुपये करंट में है, महंगा है। और इसके अलावा इस कोल्ड स्टोरेज में और हमारे जो छिबरामऊ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज क्षेत्र में कौन कौन सी वैरायटी का आलू किया जाता है ज़्यादातर? यहाँ हाईलैंड होता है और कंचन, और सिंदूरी छोड़ सभी आलू फिर होते हैं। सिंदूरी नहीं होते? हाँ, सिंदूरी नहीं होते यहाँ पे, सिंदूरी नहीं होते। और यहाँ से जो व्यापारी लोग लोडिंग करते हैं बिक्री के लिए, ज़्यादातर कहाँ के लिए बिक्री करते हैं? वो तो अपनी अपनी पार्टी है, कोई बिहार करता, कोई नेपाल करता, कोई कौन करता, ये तो अपनी अपनी अगल है। जैसे ऑल ओवर इंडिया में बिक्री होती है? हाँ, होती है। हम तो जैसे बिहार करते हैं, टोटल हमारा बिहार ही जाता। ये कौन सा आलू है, था वीडियो में दिखाया तो? कंचन है, कंचन, कंचन आलू जी। और आइलैंड आलू क्या रेट चल रहा है अभी? आइलैंड आलू 900 से 950 रुपये। 900 से 950 रुपये जी। अगर रेंट भी जोड़ दिया जाए तो आपको आपको कितना पड़ता जाके होगा, अगर आप रेंट अगर अपना जो भाड़ा लगा लो? 130 रुपये भाड़ा, इसे भी जोड़ दीजिए तो 1000 प्लस अगर हो जाएगा। हाँ, 1000 प्लस हो जाएगा। जो करंट देखने को मिला है आलू का, तो 2-4 दिन से आलू महंगा हो रहा है। पिछले मई के महीने में आलू वही रेट चलते रहे, स्थिर रहे, और कुछ सस्ता रहा। और अप्रैल के महीने में अगर देखा जाए, तो अप्रैल के महीने में कुछ जो डंप लगाते हैं किसान, उनको फ़ायदा रहा था, और डंप वाले आलू 950 रुपये कट्टे तक देखे गए थे, बिक्री हुई थी। नेपाल क्वालिटी 950 रुपये, और अभी भी वही रेट चल रहे हैं, तो आगे क्या क्या लग रहा है, और भी महंगा होगा या फिर यही रेट चलते रहेंगे? इससे सस्ता तो नहीं होगा, 10-20 रुपये उछाले हो जाएगी, अभी पानी आनी बरसात हुई है तो उछाले में, ये कोई मद्दा नहीं होगा, इससे सस्ता नहीं होगा। ना ना ना। और जो पिछले महीने से और इस महीने में थोड़ी 5 से 6 दिन में जो उछाल आया है, इसका क्या कारण है? आलू की डिमांड बढ़ी है या फिर? हाँ, डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है, काश्तकार कम आ रहा है, डिमांड बढ़ी है, काश्तकार कम आ रहा है, उस हिसाब से डिमांड बढ़ी।
जो बताया जा रहा था गर्मी के कारण आलू की खपत कम हो जाती है। हाँ कम तो भाई, कम तो भाई, लेकिन इतना आलू तो खाए तो जाते है, और सब्जी इतनी कहाँ, हरी सब्जी भी महंगी हो गई ना, हरी सब्जी के हिसाब से वे भी चलत है। और निकासी की और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए ऑल ओवर, तो कैसी क्या निकासी चल रही है? 9-10% ज़्यादा से 9-10% बस। और पिछली साल इस समय तक कितनी निकासी हो चुकी थी? पिछली साल ऐसे ज़्यादा हो चुकी थी थोड़ी, पिछली साल ज़्यादा हो चुकी थी इस समय तक। ये सब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए आठ बाजे। तो आगे जो समय आने वाला है, जैसे हमें कई जगह जानकारी मिली तो इस समय तक पिछली साल बता रहे थे कई कई कोल्ड में स्टार्ट भी नहीं हुई थी, जो आप जानकारी दे रहे हैं तो स्टार्ट हुई गई थी। ऐसा है मौसम सही है, सब गर्मी ज़्यादा पड़ी है ना, इसलिए जो है कम निकासी भाई है। और इस कोल्ड स्टोरेज में कितनी निकासी हो चुकी होगी अभी तक? लमसम 20,000 बोरी। 20,000 बोरी जी। और सभी कोल्ड स्टोरेज में ऐसी नहीं, सब में नहीं, कम 10,000 हुई है, कम 8,000 हुई है, इसमें 20,000 हुई है। और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, आप व्यापार करते हो इस कोल्ड स्टोर के अलावा, और भी किसी कोल्ड स्टोर में आलू खरीदते हो? हाँ हाँ। कौन कौन से? ये उमा शंकर कोल्ड है, ये इसमें खरीदते हैं, और अन्य कोल्ड सेवरामू में कई कोल्ड में जाते हैं। कई कोल्ड में जाते हो। तो इस साल कोल्ड स्टोरेज जानकारी मिली है जो सूत्रों के हवाले से बताते हैं, तो बता रहे हैं कि 20 से 25 कोल्ड स्टोरेज नए बने हैं शिवरामू कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में। 25 कोल्ड नए है, तो उस हिसाब से इस साल कोल्ड स्टोरेज नए बने हैं, उस वजह से कोल्ड स्टोरेज कम भर पाए हैं, को या फिर उतनी पैदावार हुई थी इस साल? पैदावार तो उतनी है, 19-20 है, कम है, लेकिन जो है वो कोल्ड 24 बढ़ गए हैं, तो बंटवारा तो उसी में होगा, तो इसलिए जो है अच्छे कोल्ड की क्रेडिट वाले कोल्ड हैं जो वो फुल भर गए हैं, कुछ कोल्ड खाली हुए हैं, लेकिन बात वही है, कोई फर्क नहीं विशेष है। और जो कुछ कोल्ड स्टोरेज वालों द्वारा और कुछ मीडिया चैनलों वाले द्वारा ये अफवाह फैलाई गई थी इस साल आलू बहुत ज़्यादा महंगा होगा, जैसे कई कोल्ड स्टोरेज जब लोडिंग के समय फुल भर नहीं पा रहे थे, अब तो ये है समय है, देखो सब्जी है, ये हो सकता है महंगा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, हम बिल्कुल तो नहीं बता सकते क्लियर, महंगा भी हो सकता है, ये तो खपत के ऊपर है आलू की, महंगा भी हो सकता है, और ना यही भाव तो कहीं जाना ही नहीं है, ये भाव तो रहना ही है, ये भाई नहीं जाएंगे, जो आज के रेट है ये तो रहेगा। अभी हम आपको कैमरा में घुमा के दिखा रहे हैं कि आलू की निकासी धूमधाम से चल रही है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के, ये लता कोल्ड स्टोरेज में आज हम उपस्थित हूँ। जो हमारे दर्शक हैं पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के व्यापारी देखते हैं, किसान भाई देखते हैं वीडियो को, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं आलू के बारे में? ऐसा है काश्तकार अगर चलता रहेगा तो आलू की जो है हिसाब बढ़िया रहेगा, महंगा होता चले जाए, अगर काश्तकार रुक जाता है एकदम निकासी होती है तो उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। फिर जैसे एक चीज़ देखी गई थी चुनाव से पहले, किसानों ने एक साथ निकासी कुछ की थी, बिक्री भी की थी, तो आलू में कुछ रेट में 100-150 रुपये क्विंटल पे गिरावट आई थी। हाँ, गिरावट आ जाएगी। और अब जैसे बता रहे थे सरकार बदल गई सर, चुनाव के बाद आलू सस्ता होगा, अब मैं फैलाई जा रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है? उससे कोई वो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसानों को इस हिसाब से क्या करना चाहिए, धीरे धीरे निकासी करते रहना चाहिए? किसानों को आलू बेचने कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, बेचते रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आप जैसे व्यापार करते हो, हाँ। इसके हिसाब से आप खेती भी करते हो? खेती तो हाँ, खेती भी करते। तो आप अपनी खुद की खेती कितनी करते हो? अगर खेती करीब 20-25 बीघा आलू होता है, लगभग 1,000 कट्टे आलू का उत्पादन करते हो? हाँ, 1,000 कट्टे। तो आप इस साल आपके आलू में कैसी क्या पैदावार थी? पैदावार तो हल्की थी। हल्की थी, कितने % कम होगी? अरे बहुत अंतर है, कम से कम नहीं तो 20% आलू तो कम ही रहा है। 20% पैदावार कम रही। 70% आलू का है मान के चलिए, 70 हुआ है, 30% पैदावार कम रही थी, हल्का निकला, क्षेत्रफल में ज़्यादा था लेकिन आलू कम निकला है। आलू कम निकला था, तो आपने अपने आलू की बिक्री कर दी या नहीं की? नहीं कर दी, आलू कर दी। हाँ, निकाल दी अपने। जैसे किसान, ये जानकारी दी जा रही है किसानों द्वारा और लोगों द्वारा, अगर निकासी धीरे धीरे चलती रहे तो आगे चल के भाव बढ़ते रहेंगे, अगर किसानों ने बिक्री रोक दी, किसान अगर बिक्री रोक देंगे तो आलू डाउन हो जाएगा। और आलू के जो रेट अभी चल रहे हैं 2,000 रुपये क्विंटल मान के चलो आलू के रेट, तो 2,200 रुपये क्विंटल जो अभी यहाँ पर बिक्री चल रही है स्टोर की, हाँ। तो किसानों को जो लागत लगाई थी उसके हिसाब से रेट भी सही मिल रहे हैं अभी? हाँ सही है। और इसमें कोई वैसे तो रेट है नहीं ना, 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 तो किसानों को लागत के हिसाब से सही, तो किसानों को धीरे धीरे निकासी करते रहने चाहिए, जो आगे चल के
कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान या कुछ भी ना हो। निकासी होने होता रहे बराबर तो नुकसान नहीं होगा, अगर निकासी रुक जाएगी तो फिर नुकसान हो जाएगा, किसानों को नुकसान फिर हो सकता है। और ये चीज़ भी देखी है हमने, जैसे कई कई किसानों पर लोन है कोल्ड स्टोर वालों का, वो तो चार पूरे उत्तर प्रदेश में चलता है, तो वो भी नहीं निकासी कर रही है, वो भी अपना ये कह रहे हैं 2000 रुपए कट्टे बिक्री होगी, 2000 के चक्कर में आए वो, लेकिन ये भाव नहीं आएगा, ये भाव नहीं आएगा। आपको हम दिखा रहे हैं, आज हम लता कोल्ड स्टोरेज छिबरामऊ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू की निकासी धूमधाम से चल रही है, आपको वीडियो में घुमाकर दिखा रहे हैं। उधर एक गाड़ी लोड हो रही है, एक गाड़ी खड़ी हुई है और काम भी ज़ोरदार से चल रहा है। और हमारे साथ यहाँ के व्यापारी अरविंद जी थे, ये भी आलू का काम करते हैं, इन्होंने आलू के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के बारे डिस्ट्रिक्ट की। और इस साइड आप देख सकते हैं ये कंचन आलू की जो सूखने के लिए है, और उधर ख्याति आलू लगा हुआ है, और लगभग सभी आलू की निकासी स्टोर में चल रही है। आपका जो हमारा YouTube चैनल है इंडिया पोटैटो हिंदी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।